हेलो दोस्तों, बाइनरी टू प्रयागराज में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने देखा था हाई लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। आगे हम बात करते हैं कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम कैसे काम करता है, लिंकर क्या होता है, लोडर क्या होता है, इसी पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर से। देखो, जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या होता है, फिजिकल होता है, फिजिकल एंड टचेबल थिंग, ऐसी चीज़ें जिसको हम छू सकते हैं, वो किसमें किस कैटेगरी में आता है, हार्डवेयर की कैटेगरी में। ऐसी चीज़ें जिसको हम छू नहीं सकते लेकिन वो एक्सेस करती हैं, वर्क करती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर का जो फाइल एक्सटेंशन होता है, मतलब जो सॉफ्टवेयर जो फाइल होती है वो हो, उसका फाइल एक्सटेंशन होता है .exe, जिसका पूरा नाम होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। मतलब सॉफ्टवेयर एक ऐसी फाइल होती है जो कि एग्जीक्यूट होती है, जैसे हमारा मोबाइल होता है। मोबाइल में हम ऐप इंस्टॉल करते हैं जिसका फाइल एक्सटेंशन होता है APK, मतलब एप्लीकेशन फाइल। तो ये मोबाइल की फाइल होती है। ये कंप्यूटर का जो ये मोबाइल का सॉफ्टवेयर हुआ, ये कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर हुआ। तो कंप्यूटर के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं, .exe फाइल होती है। इस बात को हमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि .exe फाइल इज अ सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों, इसी में देखो, सॉफ्टवेयर को देखो दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है। सॉफ्टवेयर को दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है। पहले हम बात करेंगे, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, जो सॉफ्टवेयर सिस्टम के काम के होते हैं, मतलब जो सिस्टम के काम के होते हैं, सिस्टम की ज़रूरत के होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारा कीबोर्ड हुआ, तो कीबोर्ड एक हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर से काम कराने के लिए कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन जो हम देते हैं वो कंप्यूटर से कराने के लिए जिस टाइप के सॉफ्टवेयर ज़रूरत पड़ती है उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर अपनी नीड के लिए है, तो दोनों सॉफ्टवेयर ही, दोनों क्या करेंगे, हार्डवेयर से काम लेंगे, दोनों क्या करेंगे, हार्डवेयर से दिमाग काम लेंगे। देखो, सॉफ्टवेयर को ऐसे समझ सकते हो, सॉफ्टवेयर हमारे माइंड का ब्रेन है, हार्डवेयर हमारे बॉडी का पावर है। अगर ब्रेन एंड हाथ, जैसे हमारा हैंड है, हाथ है, पैर है, ये एक तरीके का हार्डवेयर हो गया, और सारी चीज़ें एक्सेस कहाँ से होती हैं, ब्रेन से होती हैं। तो अगर ब्रेन से ही, ब्रेन की मदद से ही हमारा हाथ पैर काम करता है, वैसे सॉफ्टवेयर की मदद से ही अपने हार्डवेयर का यूज करते हैं। तो अपने हार्डवेयर का यूज करते हैं, तो हार्डवेयर का यूज करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं कि जो सिस्टम के काम के होते हैं, और जो यूजर अपनी नीड के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए जिस सॉफ्टवेयर को रखता है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, जैसे हमारा मोबाइल होता है, हमारे मोबाइल में गूगल वॉइस वाला जो होता है, काफ़ी चीज़ें जो होती हैं, जैसे हमारा की टच हुआ, या फिर हमारी मेमोरी जहाँ पर लगने, मेमोरी कैसे रन होनी है, तो सारे जो प्रोग्राम लिखे होते हैं, जो सॉफ्टवेयर बने होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे हमारे मोबाइल में हम अपनी मर्जी से क्या डालते हैं, मैक्स प्लेयर डालते हैं, तो मैक्स प्लेयर यूजर अपनी नीड के लिए रखता है ना, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम में अलग से डाले जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे हमारा MS ऑफिस हुआ, VLC प्लेयर हुआ, फोटोशॉप हुआ, तो सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कैटेगरी में आते हैं। अब जैसे माउस रन करने का ड्राइवर हुआ, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सारे सब सिस्टम सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं हम एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो हम समझ सके हैं कि हम समझते हैं कि हम जो भी फाइल बनाते हैं, वो फाइल का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, .c। देखो, सी लैंग्वेज की मदद से हम फाइल बना रहे हैं, तो सी लैंग्वेज की मदद से जब हम फाइल बनाएंगे तो उस फाइल का एक्सटेंशन होगा .c। C++ की मदद से बनाएंगे तो फाइल एक्सटेंशन होगा .cpp। फाइल एक्सटेंशन क्या होगा, .cpp। देखो, हर फाइल, हर डेटा को स्पेसिफाइड करने के लिए फाइल एक्सटेंशन बनाया जाता है, जिससे हम पता करते हैं कि इस फाइल किस प्रकार की फाइल है। तो .c फाइल का मतलब ये फाइल सी से बनी हुई है, .cpp C++ से बनी हुई है। दोस्तों, आगे हम ध्यान देते हैं कि हम जो प्रोग्राम बनाएंगे उसका फाइल एक्सटेंशन होता है .c। अब देखो, पहले समझते हैं अपने हमारा सिस्टम क्या, अपने सिस्टम को थोड़ी देर के लिए समझते हैं। हमारा जो सिस्टम होता है उसमें होता है प्रोसेसर, रैम, और एक होता है हार्ड डिस्क। तीन मेन यूनिट होती है CPU की। जो प्रोसेसर में क्या होता है, मेमोरी यूनिट होती है जो कि सेट ऑफ रजिस्टर होती है।
सेकेंड होता है सीयू। सीयू को हम किस नाम जानते हैं? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? सर्किट डेट रीड्स इंस्ट्रक्शन एंड डिकोडेड, जो कि हमारे ये कंट्रोल का सारा काम देखता है। हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे हमने राइट बटन क्लिक किया, लेफ्ट बटन क्लिक किया, माउस से कहीं पे क्लिक किया, अप जा रहे हैं, डाउन जा रहे हैं, ये सारे जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, इस सारे इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने का काम और मशीन से उस काम को, हार्डवेयर से उस काम को कराने का काम कौन करता है? सीयू करता है, मतलब कंट्रोल यूनिट करता है। अगली बात करते हैं एएलयू की। दोस्तों इसका नाम कई बार एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो हमें इसको ध्यान देना है। एएलयू का पूरा नाम होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कहीं कहीं मिलता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, तो अरिथमेटिकल या लॉजिकल यूनिट जैसे इसके नाम में है कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ऑल अरिथमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शन। ये कंप्यूटर के सारे अरिथमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शन पे वर्क करता है। हमें पता है कि हमारा जो सिस्टम जिस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है वो सारा का सारा 0-1 जो कि नंबर है, तो सारा का सारा काम हमारा किस में होना है? 0-1-1 के फॉर्म में होता है। जैसे मान लेते हैं हमारी जो इमेज है, हमारी जो इमेज हम फोटो कैप्चर करते हैं, वो फोटो भी 0-1-1 के फॉर्म में होती है, क्योंकि जो हमारा सिस्टम होता है वो हमेशा 0-1 को ही अंडरस्टैंड करता है। अब आगे बात करते हैं, मान लेते हैं कि हमने एक फाइल बनाई, उस फाइल का नाम हमने रखा हैलो डॉट सी। ये फाइल हम कहाँ बनाते हैं? उसको बोलते हैं IDE। जो सबसे ज़्यादा फेमस है उसको हम बोलते हैं टर्बो C++। और अपना हम सारा का सारा प्रोग्राम इस सॉफ्टवेयर की मदद से ही करेंगे। इसे IDE बोलते हैं। इस IDE पे ही अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। ये नॉर्मल प्रोग्राम रन नहीं करता, इसी IDE पे हमें इसे रन करना है। वो मैं प्रैक्टिकल सेशन में आपको बताऊंगा कि कैसे क्या होना है। अभी हम देखते हैं कि हमारा जो एक प्रोग्राम होता है वो कैसे वर्क करता है, कैसे जाके एक सॉफ्टवेयर बनता है। क्या सी लैंग्वेज की मदद से हम कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हैं? सी लैंग्वेज सॉफ्टवेयर बनाने की लैंग्वेज है, प्रोग्राम बनाने की लैंग्वेज है, तो इसको हम कैसे सॉफ्टवेयर पर अपने बदल सकते हैं? इसी बात को दोस्तों हम ध्यान देते हैं। मान लेते हैं हमने एक फाइल बनाई, उस फाइल का नाम हमने दिया hello.c। hello.c फाइल हमने नाम दिया और हमने लिखा has include studio.h। देखो यहाँ पे एक वर्ड हमने लिखा है stdio, इसका पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। देखो अब यहाँ पे बात आ गई हमारी हेडर फाइल की। तो हेडर फाइल क्या होता है? हेडर फाइल एक प्रीमेड फाइल होती है। क्या होती है? प्रीमेड फाइल होती है, पहले से बनी हुई फाइल होती है जो कि हमारे सिस्टम में ऑलरेडी इन्वॉल्व होती है। ये क्या होता है? हैज, इसे हैज बोलते हैं। हैज क्या काम करता है भाई? ये प्री प्रोसेसर कमांड है, मतलब जैसे ही ये पूरा कोड हमारा कंप्यूटर रीड करेगा, सीयू इस चीज़ को देखेगा तो इसे कमांड देगा। कमांड किसको देगा? प्री प्रोसेसर को। प्री प्रोसेसर क्या है? हमारा एक सॉफ्टवेयर है। चीज़ों को ध्यान से समझिए, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होंगी लेकिन आप आसानी से समझेंगे तो बहुत आसान समझ में आएगा। मतलब हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैज यहाँ पे क्या है? हमारा प्री प्रोसेसर कमांड है। इंक्लूड मतलब होता है समाहित करना, सम्मिलित करना, मतलब एक सिंपल सा हमारा वर्ड है स्टूडियो डॉट एच। देखो यहाँ पे एक फाइल है, उस फाइल का एक्सटेंशन क्या है हमारा? डॉट एच। डॉट एच किस फाइल का एक्सटेंशन होता है? हेडर फाइल का होता है। हेडर फाइल हमारी क्या होती है? प्रीमेड फाइल होती है जो कि हमारे सिस्टम में पहले से इंक्लूड होती है। इसके बाद हमने लिखा वाइड मेन फंक्शन, कर्ली ब्रैकेट हमने लगाया और हमने लिखा प्रिंटर फॉलो गेट सी एच और हमने कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। इस तरीके से हम प्रोग्राम को बनाते हैं। इस सेक्शन पे हम और ज़्यादा डिस्कस करेंगे और हमें कुल मिला के बनाना प्रोग्राम ही है। तो बस इसे हम समझते हैं कि मान लेते हैं हमने एक फाइल बनाई, हमने क्या बनाया? एक फाइल बनाई और एक फाइल में कई ढेर सारे हमने एक्सटेंशन दिया। इसी फाइल को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। और सी लैंग्वेज की मदद से जो हम प्रोग्राम बनाते हैं उस प्रोग्राम का फाइल एक्सटेंशन होता है .c। तो दोस्तों जब इस प्रोग्राम को हम रन कराते हैं, देखो प्रोग्राम को कंपाइल कराना और रन कराना, कंपाइल प्रोसेस में क्या होता है? हमारे प्रोग्राम के एरर को देखा जाता है और रन कमांड में क्या करता है? हमारा प्रोग्राम रन करता है और अपना आउटपुट देता है। मतलब अब जैसे इस कोड को हम रन कराएंगे तो एक सॉफ्टवेयर होता है प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर इज अ सॉफ्टवेयर हैंडल ऑल द ब्लॉक ऑफ हेडर फाइल। मतलब प्री प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हेडर फाइल के लिखे गए ब्लॉक को क्या करता है? हैंडल करता है। एंड प्री प्रोसेसर मिक्स द कंटेंट ऑफ हेडर फाइल इन अवर प्रोग्राम। मतलब ये जो हमारी फाइल है, इस फाइल को हमने लिखा एज अ कमांड, मतलब ये फाइल हमारे सिस्टम में इंक्लूड होंगी।
हमारा जैसे ये प्री प्रोसेसर कमांड प्री प्रोसेसर को मिलेगा, प्री प्रोसेसर हमारा इस बनी हुई फाइल को हमारे सिस्टम में ला के जोड़ देगा। जब हमारे सिस्टम में जोड़ेगा तो देखो यहाँ पे क्या होता है, एक नई फाइल बनती है, उस फाइल को बोलते हैं सम डॉट आई फाइल। इसी फाइल की मदद से बनेगा सम डॉट आई फाइल। सम डॉट आई फाइल में क्या होता है, ये एक इमेजिनरी फाइल होती है। कैसी दोस्तों फाइल होती है, ये इमेजिनरी टाइप की फाइल होती है। ये सिस्टम के लिए एक टेम्प्रेरी बेसिस पे बनता है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी फाइल बोलते हैं। इमेजिनरी फाइल जो होती है, इस फाइल में क्या होता है कि हमारी हेडर फाइल भी ऑलरेडी इंक्लूड हो जाती है, और प्री प्रोसेसर हमारा क्या काम किया, मिक्स द कंटेंट ऑफ हेडर फाइल, हेडर फाइल के कंटेंट को हमारे प्रोग्राम में ला के मिक्स कर दिया। अब बात करते हैं, अब इसके बाद वर्क इसका काम आता है, कंपाइलर का काम आता है। जैसा कि हम कंपाइलर के बारे में जान चुके हैं, समझ चुके हैं, कंपाइलर क्या होता है, एक ट्रांसलेटिंग होता है, एक ट्रांसलेटर है जो कि हमारी फाइल को क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर ट्रांसलेट द प्रोग्राम एंड मेक्स अ न्यू फाइल कॉल्ड ऑब्जेक्ट फाइल अकॉर्डिंग टू ओएस। कंपाइलर हमारा क्या काम करता है, इस हमारी सोर्स फाइल को। दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी बात हम और करेंगे, एक टर्म पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, वो पूछा जाता है सोर्स फाइल, सोर्स लैंग्वेज, और दूसरा टर्म पूछा जाता है ऑब्जेक्ट फाइल एंड ऑब्जेक्ट लैंग्वेज। देखो इन दोनों बातों को हमें अच्छे से समझना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको हमको यही ध्यान देना है कि सोर्स फाइल, देखो जिस फाइल को, मतलब सोर्स लैंग्वेज पहले बात करते हैं, तो सोर्स लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जिस पे हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं, वो कोई हाई लेवल लैंग्वेज हो सकती है। जैसे हम सी पे प्रोग्राम बना रहे हैं तो सी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होगी, हम सी प्लस प्लस पे बना रहे हैं तो सी प्लस प्लस हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होगी, हम जावा पे बना रहे हैं तो जावा हमारी सोर्स लैंग्वेज होगी। तो समझ, कहने का मतलब ये कि जिस लैंग्वेज में अपने प्रोग्राम को बना रहे हैं उस लैंग्वेज को बोलते हैं सोर्स लैंग्वेज, और इस लैंग्वेज की मदद से बनी हुई फाइल को क्या बोलते हैं, सोर्स फाइल बोलते हैं। बस इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है, क्योंकि सोर्स फाइल एंड ऑब्जेक्ट फाइल के बीच में डिफरेंस का क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार नहीं कई बार आया हुआ है, तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए और इस चीज़ को समझिए। ऐसी फाइल जो कि हाई लेवल लैंग्वेज हो जिसमें अपने प्रोग्राम को बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सोर्स लैंग्वेज बोलते हैं, और सोर्स लैंग्वेज की मदद से बनी हुई फाइल को क्या बोलते हैं, सोर्स फाइल बोलते हैं। अब जब ये फाइल जीरो, जब यही हमारी सोर्स फाइल जीरो एंड वन के फॉर्म में ट्रांसलेट हो जाती है, जब जीरो एंड वन के फॉर्म में ट्रांसलेट हो जाती है तो इसी फाइल को, इसी लैंग्वेज को बोलते हैं ऑब्जेक्ट लैंग्वेज। और ऑब्जेक्ट लैंग्वेज और कुछ नहीं, हमारी बाइनरी लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है। इस बात को हमें ध्यान देना है कि हमारी यही क्या है, ऑब्जेक्ट लैंग्वेज है, और ऑब्जेक्ट लैंग्वेज की मदद से बनी हुई फाइल को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट फाइल बोलते हैं। तो मतलब कंपाइलर ने हमारे इस फाइल को ट्रांसलेट किया किसमें, जीरो वन के फॉर्म में, और जीरो वन वाली फाइल ही क्या कहलाती है, ऑब्जेक्ट फाइल, और ऑब्जेक्ट फाइल का फाइल एक्सटेंशन होता है डॉट ओबीजे। यहाँ पे देखो हेलो फाइल का नेम है जो कि हर जगह पे सेम है, लेकिन फाइल का एक्सटेंशन बदल रहा है, मतलब फाइल का हमारी टाइप बदल रही है। तो हेलो डॉट ओबीजे क्या है, हमारी फाइल की टाइप है, कि कैसी टाइप है, ऑब्जेक्ट फाइल है। जहाँ पे डॉट ओबीजे की बात होगी, ऑब्जेक्ट फाइल की बात होगी, आप हमेशा इस बात को समझिए ये फाइल जीरो वन वाली फाइल है, और सोर्स फाइल की बात होगी, सोर्स लैंग्वेज की बात होगी, तो ये कोई हाई लेवल लैंग्वेज है, इस बात को हम समझते हैं। अब यहाँ पे हेलो डॉट ओबीजे नाम की हमारी फाइल क्या हो चुकी है, बन चुकी है। अब देखो इस फाइल में भी अभी कुछ ऐसा डेटा है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है जो कि अभी भी हमारे कंप्यूटर को समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसी चीज़ों को डिकोड करने के लिए एक और सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम बोलते हैं लिंकर। तो लिंकर के बारे में समझ लेते हैं। लिंकर इज अ सॉफ्टवेयर दैट एड द ऑब्जेक्ट फाइल एंड लाइब्रेरी फाइल टुगेदर एंड मेक अ न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी। मतलब हमारा जो लिंकर होता है एक सॉफ्टवेयर है जो क्या काम करता है, ऑब्जेक्ट फाइल को और लिब फाइल को, डॉट लिब का दोस्तों मतलब होता है लाइब्रेरी फाइल। लाइब्रेरी फाइल को समझते हैं, ये एक ऐसी फाइल होती है, मान लेते हैं कोई सिस्टम, हमने कोई लाइन लिखी हुई है, कोई प्रोग्राम बनाए हुए, इस प्रोग्राम के कुछ लाइन हमारे कंप्यूटर को समझ में नहीं आ रही है, तो ये हम लाइब्रेरी फाइल में इन सारी चीज़ों का मतलब वहाँ पे पहले से लिखा होता है,
और उसी फाइल को लिंक कर क्या कर देता है, हमारे प्रोग्राम में ऐड कर देता है। और लिब फाइल क्या होती है, कौन ऐड करता है, लिंकर ऐड करता है। आफ्टर द कंपाइलिंग द ऑब्जेक्ट फाइल, देखो क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज लिंकर एंड व्हाट इज लाइब्रेरी फाइल, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझते हैं। इसके बारे में ब्रीफ नोट्स आपको नोट्स के साथ दिया जाएगा, नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे चीज़ों को मैं शार्ट आउट कर रहा हूँ, क्योंकि देखो दोस्तों बिना यहाँ पे लिखे हुए बताना मुश्किल हो रहा है। मैं भी चाह रहा हूँ कि व्हाइट बोर्ड पे कम से कम मैटर लिखूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इसको आप समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लाइब्रेरी फाइल जो होती है, आफ्टर द कंपाइलिंग द ऑब्जेक्ट फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल को कंपाइल करने के बाद हैव सम कंटेंट विच मीनिंग इज नॉट अंडरस्टूड बाय ओएस, कुछ शब्दों का मतलब ऐसे होता है, कुछ लाइनों का मतलब ऐसे होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा समझ में नहीं आता है, सो दैट मीनिंग इज रिटन इन लाइब्रेरी फाइल। सो ऐसी फाइलों का मतलब कहाँ पे लिखा होता है, लाइब्रेरी फाइल में लिखा होता है। और लिंकर हमारा क्या करता है, इसी लाइब्रेरी फाइल को और ऑब्जेक्ट फाइल को मिक्स करके एक नई फाइल बनाता है, उसी फाइल को हम बोलते हैं ईएक्सई फाइल। क्या बोलते हैं दोस्तों, ईएक्सई फाइल। ईएक्सई फाइल ही क्या होती है, हमारा सॉफ्टवेयर होता है, यही बात हम आपको पहले से बता चुके हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी बात, कहने का मतलब ये कि हमने देखा कि हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होता है। देखो जब सिस्टम को हम समझते हैं, सी लैंग्वेज को समझने का तरीका क्या है, प्रोग्राम कैसे रन होता है, अगर ये बात हमें समझ में आ जाए हमें प्रोग्राम हैंडल करना बहुत आसान होता है। तो यहाँ पे आपको अभी चीज़ें समझ में थोड़ी थोड़ी आपको आ रही, मैं अभी आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझा रहा हूँ, बाद में जब हम प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे। तो आप लोग क्या करिए, चीज़ों को धीरे धीरे समझते रहिए, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट, ये सारे के सारे क्वेश्चंस, ये सारे के सारे टर्म आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है जो कि आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बस इस लेक्चर में इतना ही।